हेलो दोस्तों, हम लोग घूमने जा रहे हैं, देखिए साइकिल से। जा रहे हैं हम लोग घूमने, थोड़ा मस्ती करने। बहुत धूप उगाया है, धूप से देखिए बहुत धूप है। अभी 3 बज रहा है, 3 बजे हम लोग घूमने निकले हैं। फिर इधर घर में धान रोपाया है, पूरा खेत में पूरे धान के क्यारी भरा हुआ है पानी से, पूरा पानी है धान की क्यारी में। जितने में पानी देखिए आगे तरफ रास्ता देखिए, रोड है बना ढाला हुआ है रोड। हवा लग रहा है, चलिए हवा बहुत ही अच्छा लग रहा है, हवा लग रहा है, धूप तो है बाकी हवा भी लग रहा है, दौड़ना आसान नहीं पड़ रहा है। हवा चल रहा है तो अच्छा लग रहा है, देखिए ना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, अच्छा एकदम किया हुआ है, मौसम भी अच्छा किया हुआ है। देखिए मौसम घर में बीच रोड है, हम लोग थोड़ा मस्ती करने जा रहे हैं, इधर ही घूमने फिरने मन नहीं लग रहा था, तो इसे सोचे कि चले घूम फिर के आते हैं। इधर भी गाय भी बना हुआ है, इधर में घूम फिर के गाय भी घर में लगाएंगे। इधर से जाएंगे घूम के पेट्रोल भी उस ले लाएंगे गाय को। ये रास्ता कैसा है, पहाड़ वगैरह खराब हो गया है, रास्ता चल रहा है रास्ता एकदम। हम लोग पहुंच गए हैं डेंटल कॉलेज, इसको डेंटल कॉलेज के नाम से पुकारा जाता है, वहाँ पर पहुँच गए। बहुत मस्त है, अच्छा देखिए पेड़ है, पेड़ के छाया भी अच्छा है, मस्त ठंडा हवा लग रहा है, बाइक कुछ भी है यहाँ पे, देखिए बाइक है, ब्लेड ब्लेड कर दिया है बाइक, घूरने हैं मस्ती करने हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, अच्छा लगा है। बाइक मेरा नहीं है, दूसरा का है, इधर आए हैं तो बैठ गए, इधर गए हैं, लेकिन सपना है को लेंगे बाइक। ये मकान है दुताला, बढ़िया। आप सबका सपोर्ट चाहिए, जरूर लेंगे हम, आप लोग का सपोर्ट होगा तो हम लोग ऐसा बाइक यार बाइक जरूर लेंगे अच्छा से। आप लोग हम लोगों पर सपोर्ट प्यार अच्छा से बनाए रखें,
आप लोगों को अच्छा अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। अभी तो ऐसे ही आए तो घूमने तो बना सोचे कि बना लेते हैं, थोड़ा सा ही काम था तो आए तो सोचे कि ऐसे ही चलनी घूम लेते हैं और थोड़ा मतलब ब्लॉग हम बना लेते हैं। तो इधर में आए तो देखें मौसम भी मतलब तेज धूप बहुत है, देखिएगा देखिए बहुत ही अच्छा रास्ता भी आई था। हवा लग रहा है अच्छा, देखिए पेड़ है, मस्त पेड़ का छाया भी है, अच्छा से छाया भी है, मस्त लग रहा है पेड़ का छाया, यहाँ भी अच्छा है। रॉयल इस गाड़ी का नाम है, मैंने फ्रेंड से बहुत ही महंगा गाड़ी है, महंगा गाड़ी है एकदम, कम से कम 2 लाख का हुआ, 2.5 लाख का। चलिए और चलते हैं आगे की तरफ। इसे किस हवा बहुत लग रहा है, बहुत ही धूप लग रहा है, पूरा हरियाली से एकदम पूरा है, हरियाली हरियाली दिख रहा है क्योंकि बरसात का मौसम है, इसलिए हरियाली लग रहा है चारों तरफ। यह दिन बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को, बहुत अच्छा हरियाली पूरा बहुत सुंदर दिखता है, अच्छा लगता है। बरसात का मौसम है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है इस दिन का, सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि सब दिन ऐसे ही रहता तो पूरा अच्छा चारों तरफ हरियाली हरियाली रखते हैं भगवान को एकदम अच्छा से। देखिए इधर में धान भी रोपा हुआ है, चलिए और बैंक के पास पहुंचने वाले हैं, बैंक के पास स्टेट पहुंचने वाले हैं, इस आगे की तरफ थोड़ा ही दूर बैंक है स्टेट बैंक, चलिए देखते हैं। बिल्डिंग है थोड़ा दूर में है, बिल्डिंग बड़ा बड़ा बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो है कोई दिक्कत नहीं है, गलत चीज नहीं है।
इंटर कॉलेज है। चलिए पहुंच गए हैं मैम के पास। देखिए पहुंच गए। इसका नाम है इंटर कॉलेज प्रियम है। बैंक बंद है, यही बैंक का गेट है। आज क्योंकि संडे है इसलिए बैंक बंद है। देखिए इसका स्टेट बैंक पोस्टर भी लगाया हुआ है, देख लीजिए। भारतीय स्टेट बैंक कॉलेज का नाम है डेंटल कॉलेज कैंपस फरटिया में है। कैंपस फरटिया में इसमें बैंक भी नहीं, बहुत ही बैंक कॉलेज हॉस्पिटल वो सब इसमें है। इसको डेंटल कॉलेज के नाम से जानते हैं। डेंटल कॉलेज के नाम से पूरा फेमस है। ये बैंक का गेट है, बहुत ही बड़ा बैंक का गेट है। देखिए इधर भी वो है बैंक, इधर भी गेट है। चलते हैं आगे को तो नया है। देखिए यहाँ पे आगे तरफ चलते हैं। आप खोलिए, बाद में हम बात कर लेंगे। कैसे और बस चलेंगे चलेंगे चलें। देखिए बिल्डिंग, यही बैंक है स्टेट। और बैंक के देख लिए और आगे चलते हैं। देखिए थोड़ा देर में ये डेंटल कॉलेज है, बहुत ही दूर में है। चलिए इसको दिखाते हैं, इसको चलिए दिखाते हैं। इतनी दूर में है आगे धूप गर्मी पूरा लग रहा है, हवा चल रहा था वो बंदे का, बहुत ही गर्मी लग रहा है क्योंकि बहुत ही तेज धूप देखिए धूप बहुत ही तेज धूप उगाया है। धूप बहुत तेज किया हुआ है इसलिए बहुत ही गर्मी लग रहा है। देखिए पसीना भी आ रहा है। देखिए इसका, देखिए कितना दूर में है इसका हाथा, इसका हाथा बहुत ही दूर में है, बहुत दूर में है। देखिए वहाँ से पूरा एकदम राउंडिंग है, पूरा राउंड में है, पूरा बहुत दूर में है, राउंडिंग में हुआ है। इसका अंदर का फेस दिखाते हैं, कैसा है, कैसा है बिल्डिंग है, कैसा कैसा इसमें और है क्या क्या चीज़, इसको दिखाते हैं। चलिए आगे देखिए, यहाँ पे स्कूल है। ये चलते हैं पास पास में चलते हैं तो दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। अभी तो दूर है तो थोड़ा दिखा रहा है, उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। पास चलेंगे तो थोड़ा दिखेगा बहुत अच्छा। अब चलिए चढ़ते हैं ऊपर में और दिखाते हैं पूरा प्लीज से ऊपर ऊपर में दिखाते हैं पूरा कैसा कैसा दिखता है ऊपर से देखते हैं। से वो गिर गया है, पेड़ नहीं फट के हवा में गिर गया है। ऊँचा है, देखिए पेड़ गिर गया है हवा में, हवा की वजह से गिर गया है, हवा की वजह से। इधर बहुत चल रहा है, देखिए चढ़ रहे हैं पेड़ क्योंकि ऊँचा है, देखिए ऊँचा है, ऊँचा पे हैं। इसके अंदर डैम है, इधर में हाथ दुखने लगा।
पूरा देखिए डैम से पूरा आराम है इस पे। देखिए गाइस इधर में बहुत ही बड़ा डैम है, इसमें बहुत बड़ा 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 मछली रहते हैं। डैम है बहुत ही बड़ा, देख लीजिए बहुत दूर में है, बहुत दूर में है। और आगे से दिखाते हैं, आगे से दिखाते हैं फेस। अभी थोड़ा पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा था, चलिए आगे से दिखाते हैं। बहुत दूर में है अभी तो लोग नहीं, पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा था अच्छा फेस। कितना कितना दूर में है गाँव, बहुत इधर ऐसे रोशनी आ रहा है इसी की वजह से इधर नहीं देखने पा रहे हैं। चलिए देखिए, देखिए दूर में पूरा है, बहुत ही दूर में है, बहुत दूर में है, हमारे वजह से नहीं आ रहा था। धूप की वजह से अच्छा से कैमरा नहीं आ रहा है, देखिए धूप की वजह से कैमरा नहीं अच्छा आ रहा है। बहुत दूर दूर में है, इसी से इसी में मछली उछली पालते हैं। इसी में डैम के बगल में उधर में ईटा पठाता है, देखिए उधर में ईटा पठाता है, उधर में इसी से पानी जाता है, उधर में ईटा पठाता है, पठाता है। उधर में देखिए इसका घर बन रहा है, मस्जिद आती है जिसको मस्जिद, हाँ मस्जिद बोलते हैं, उसमें पढ़ते हैं। देखिए उधर में, देखिए इसमें इधर में देखिए और दिखाते हैं, इधर में देखिए स्कूल है, इधर में देखिए स्कूल है। चलिए भीड़ देखते हैं, चलिए करीब देखते हैं, करीब जाकर देखते हैं कैसा दिखते हैं। बहुत गर्मी लग रहा है, बहुत धूप किया है इसलिए इधर ही से बॉक्स मार रहा है, पसीना भी दे रहा है, इधर पसीना दे रहा है। मंगले पत्ता भी हिल रहा है, नहीं पूरा एकदम गर्मी किया हुआ है एकदम। देखिए बादल भी एकदम सूख से एकदम, कितना अच्छा है, लेकिन बहुत गर्मी हुआ है। देखिए अब दिखाते हैं इधर से, ये देखिए इधर स्कूल, देखिए यही स्कूल है, आर पी मिला निकेतन स्कूल का नाम है, आर पी मिला निकेतन स्कूल डेंटल कॉलेज करठिया में। देखिए हाथा मारा हुआ था, देखिए हाथा मारा हुआ था, तो पानी की वजह से पानी गिर गया, हवा की वजह से गिर गया। बहुत ही अच्छा फेमस स्कूल है, पढ़ाई भी अच्छा होता है, पढ़ाई भी अच्छा होता है। इसी में हम लोग गांव वाला पढ़ने आते हैं, लड़के लोग बच्चे लोग, अच्छा पढ़ाई होता है। और दिखाते हैं डेंटल कॉलेज के फेस कैसा है, कैसा देखिए डेंटल कॉलेज, देखिए कितना दूर में है, देखिए डेंटल कॉलेज बिल्डिंग बना हुआ है, अंदर में बिल्डिंग बना हुआ है। अरे बहुत दूरी से तो नहीं दिखा रहा है, इतना दूरी से, दूरी की वजह से तो नहीं दिखा रहा है, वो हाथ दुखाने लगा इसी की वजह से, दूरी की वजह से तो नहीं दिख रहा है। दूरी की वजह से नहीं दिख रहा है, भीड़ जाते ना तो अच्छा अच्छा एकदम बिल्डिंग और शौक से अंदर में जाके दिखाते हैं। अंदर में बहुत कुछ है, बहुत कुछ लगा हुआ है, देखने देखने में अच्छा आएगा, लुक बहुत ही अच्छा लगता है अंदर में, बहुत अच्छा था। अंदर में जाएंगे कभी तो, पार्क है, पार्क जरूर बनाएंगे आप लोगों को दिखाने के लिए। और उसमें वो डिजाइनिंग इसमें है, पार्क वर्क बहुत ही अच्छा है, फूल बहुत है, पुष्प है, बहुत ही अच्छा अच्छा एकदम इसमें। लेकिन उस अलाउ नहीं है जाने के लिए, तो जाते हैं वो सब आपको दिखाते हैं, नहीं कोई भी नहीं अलाउ, नहीं अलाउ नहीं है, अलाउ नहीं है जाने के लिए, इसी की वजह से जाना पड़ता है, तो एंट्री करा करके जाना पड़ता है। इसका मेन गेट है, दिखाएंगे आगे इसका मेन गेट हम दिखाएंगे, थोड़ा आगे है इसके, इस स्कूल के बगल में है, बाजू में है,
स्कूल के बगल में है, दिखाएंगे अभी थोड़ा देख लीजिए। साइकिल वहाँ पे लगाए हैं, वहाँ पे वो साइकिल को लेकर फिर गेट की तरफ पास पहुँचेंगे तो आपको दिखाएंगे गेट कैसा है। बहुत ही अच्छा है गेट, उसमें पार्क भी बना हुआ है, अच्छा है एकदम, दिखाएंगे आपको। अभी आप लोग भी देख लीजिए कितना दूर में है, बहुत ही दूर में बाउंड्री मारा हुआ है इधर से। इसमें अंदर में देख लीजिए कितना एकदम बिल्डिंग है, बहुत ही ऊंचा। इधर से उतना नहीं दिख रहा है काहे की वजह से, इस वजह की पेड़ है बहुत, घर को छेक लिया है इसी की वजह से घर नहीं दिख रहा है। बिल्डिंग देखिए इधर में जितना है उतना ही सब दिख रहा है, और उधर में दिख रहा है, और इससे भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग है जो तरफ है, लेकिन इस पेड़ की वजह से नहीं दिख रहा है। उसमें सब रहते हैं सब लोग, आगे बारी बारी से लोग यहाँ पे आते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ने आते हैं, बाहरी बाहरी से लोग पढ़ने लिखते हैं, स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे सब चीज़ का। यहाँ पे कंप्यूटर इंजीनियर और डॉक्टर बहुत बहुत लोग आगे यहाँ पे पढ़ पढ़ के और नौकरी ले रहे हैं, नौकरी पा लिए और नौकरी कर रहे हैं। इसमें बहुत तरह का पढ़ाई होता है, सब पूरा नौकरी, डॉक्टर, इंजीनियर और बहुत ही तरह के सब, बहुत एम ए बी ए बी कॉम इस सब बहुत ही तरह के होता है, पढ़ाई होता है बहुत ही सब। यहाँ से डिग्री लेने के बाद आपका जो भी तो बनने का चाह सपना है, सपना होगा वो पूरा हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। लेकिन इसमें पैसा लगता है, जानते करते हैं कि आजकल के दिन में पैसा की वजह से लोग नहीं ले पाते हैं नौकरी, पैसा ही है सब कुछ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, अब जानते करते हैं। आजकल की दुनिया में तो यही है, पैसा नहीं है तो सब कुछ है, सब कुछ है, इज्जत है, पूरा अथी है, पैसा है तो सब कुछ है, पूरा पैसा नहीं तो कुछ, दुनिया में कुछ नहीं, पैसा नहीं तो पैसा ही दुनिया है, पूरा पैसा जिंदगी है। जिसके पास पैसा है उसका ही नाम है, इस दुनिया हम में लोग के पास उतना नहीं, लेकिन हम लोग के पास पैसा आएगा। आप लोग प्यार और सपोर्ट के बनाए रखिए अच्छा से, और अच्छा से वीडियो देखिए, और आप लोगों पर हम लोगों को पूरा भरोसा है कि हम लोगों को प्यार सपोर्ट अच्छा से बनाए रखिएगा, एकदम सपोर्ट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा, पूरा भरोसा है आप लोगों पर। किसी तरह हम लोगों को भर प्यार से अच्छा से भर प्यार बनाए रखिए। हम लोग अमीर परिवार से नहीं हैं, गरीब परिवार से, गरीब को हम सब हाल जानते हैं, कैसा रहते हैं, कैसा खाते हैं पीते हैं, बहुत ही दुख का बात है गरीब में। जो गरीब खाने होगा के लिए, जो गरीब होगा वही गरीब का हाल जानेगा, नहीं तो बड़ा बड़ा गरीब के सिवा और जानेंगे, जो भी गरीब से गुजरा हुआ है वही इस गरीब का हाल जानेगा। और न तो कितना घमंडी लोग होते हैं, ये मजाक उड़ाते हैं गरीब लोग को पैसा के वजह से, कि गरीब है इसके पास कोई कुछ भी नहीं है, घर दूरा पैसा कड़ी गाड़ी घोड़ा कुछ भी नहीं है, ये नहीं सोचते हैं कि इस दुनिया में आगे अपने लाइफ में जिंदगी में आगे बढ़ सकता है, ये भी हम लोगों से भी ज़्यादा एकदम ऊपर जा सकता है, ऐसा कहना नहीं चाहिए। गरीब लोग को कहे अमीर को किसी को भी किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए कि ये आगे नहीं बढ़ सकता है, कि उन लोगों को आगे बढ़ना है तो उन लोगों को सपोर्ट करना चाहिए,
क्योंकि उसको उन लोगों पर हंसना नहीं चाहिए। किसी की किसी को मतलब जो अमीर है चाहे गरीब है किसी पर जलन नहीं होना चाहिए, कहे कि उतना रुपया कमा रहा है इतना कैसे ऐसे पैसे कैसे कमा रहा है कैसे नहीं, अपना मेहनत से कमा रहा है, किसी को बल पर नहीं, अपना मेहनत से खुद से मेहनत कर रहा है तो पैसा कमा रहा है। यूट्यूब या कुछ भी यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या फेसबुक हो, अपना मेहनत कर रहा है कुछ भी चीज़ से कमाए, लेकिन मेहनत कर रहा है तब कमा रहा है। कोई मेहनत नहीं करता तो नहीं कमाने पाता, मेहनत है तो पैसा है। कोई भी मेहनत करेगा तभी पैसा देंगे, नहीं तो कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई भी ऐसे ही पैसा दे देगा, कोई भी नहीं। आज का दुनिया में ऐसा कोई है नहीं, आज के दुनिया में कौन रहेगा, ऐसा कोई भी नहीं है। आपके पास पैसा है, आप लोगों को मजाक उड़ाएंगे, पूरा मजाक उड़ाएंगे आज को, आप लोगों को पूरा ऊपर से नीचे गिराने के लिए लगाएंगे, बाकी ऊपर चढ़ाने के लिए यहाँ दुनिया में कोई नहीं है। 100% में 90% लोग ऊपर से नीचे उतारने के लिए हैं, ऊपर चढ़ाने के लिए 10% लोग मिलेंगे इस दुनिया में, इस दुनिया में क्या, इस विश्व में कहेंगे। पैसा का घमंडी नहीं करना चाहिए कोई कभी, ताकि पैसा का घमंडी करने वाला एक दिन ऐसा कंगाल बन जाता है ना कि दुनिया मुंह दिखाने लायक नहीं रहता है। हम लोग गरीब हैं लेकिन गरीब से अमीर बनेंगे जरूर, गरीब हैं तो क्या हुआ, मेरे को कोई दुख नहीं है। बहुत पहले की बात है, यहाँ से मशीन लगा हुआ रहता था यहाँ पे, और इस नाली के द्वारा पानी जा रहा था पहले, इस नाली के द्वारा पानी जा रहा था, इसी के द्वारा पाट रहा था होगा था पहले, सीढ़ी के ऊपर बनाया हुआ है ये नाली, क्योंकि इससे पानी पटाया जा सके इसलिए बनाया हुआ था, और इसी पर मशीन लगाया हुआ था डीजल पंप, क्योंकि इसके द्वारा पानी जाए और पानी जाए और खेतों में पाते और खेतों में फसल पटे अच्छा हो, फसल मरे नहीं पानी की वजह से, इसी की वजह से मोटर को यहाँ पर लगाया था और इस तरफ से पानी को ले जाकर अपने खेतों में पटाते थे और फसल को उगाते थे अच्छा से। अब के दुनिया में आ गया है कि पाइप के द्वारा पानी जाता है, पहले ऐसा नहीं था, पहले नाली के द्वारा पानी ले जाया जाता था नाली के द्वारा। ठीक है, तो बोले में गड़बड़ी होबे करबे का कहे कि शुरू बोल रहे हैं तो उतना एक्सपीरियंस नहीं है बोलने के लिए, इसीलिए थोड़ा मोड़ा घबरा रहे हैं, तो आपसे जरूरी विनती है कि थोड़ा मोड़ा जो भी गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिएगा, कहे कि छोटा मोटा हम लोग यूट्यूबर हैं उतना बड़ा नहीं है, ले इसी के जो भी गलती हुआ होगा माफ़ कर दीजिएगा। हाँ रुको चलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, देखिए फ्रेंड फर्स्ट चैनल देखते हैं, चैनल पाते हैं कि नहीं, वैसे दिन हो गया है चढ़ने जा रहे हैं और चढ़ने पाते हैं कि नहीं, देखिए इस पेड़ का नाम है क्रंच पेड़, क्रंच हाँ वो जो है क्रंच का इंग्लिश में मेरे को पता नहीं है, देहाती भाषा में बोलते हैं क्रंच इसी का दतवन बहुत ही अच्छा होता है, जो कि तीता होता है बाकी अच्छा रहता है दांतों के लिए, इसलिए चढ़ के देखते हैं, दांत का सफाई अच्छा करता है और दांत में कोई भी गंदगी को साफ कर देता है, साफ करने के लिए अच्छा है।
चढ़ के देखते हैं। देखिए देखिए दिखाइए, हेलो इधर दिखाइए। हाँ देखिए चढ़ रहे हैं, आराम से चढ़िएगा, नहीं तो गिर जाइएगा। देखिए धीरे धीरे गिर चढ़ रहा है, देखिए अब ऊपर चहक गए हैं। देखिए हेलो गाइस, हम ऊपर चहक गए हैं। देखिए बहुत डर लग रहा था, ऊपर चहक गए। देखिए किसी का दातुन किया जाता है, छुटा हुआ था दातुन तोड़िए, दातुन और दातुन तोड़िए, दातुन दातुन हाँ दातुन तोड़ रहे हैं ना, आइएगा। इसमें दातुन उतना अभी नहीं है, अच्छा अच्छा नहीं है। देखिए बहुत ही अच्छा सुहाना मौसम, पेड़ है बांध के ऊपर एकदम पेड़ है। देखिए इधर में ईटा है, यहाँ पे भाटा है, भाटा लगता है जो ईटा पकाने के लिए ईटा पकाया जाता है। देखिए ऊपर चढ़ गए हैं, तोड़ रहे हैं दातुन। देखिए दातुन नहीं है, अच्छा अच्छा टूट भी दिया है, अच्छा नहीं है, टूट गया है। पानी लाए थे पीने के लिए, देखिए पानी लाए थे, थोड़ा सा बचा हुआ है, एक बोतल लाए थे सब पी गए। देखिए ऊपर में है, हाँ बोतल बोतल ऊपर मांग रहे हैं पानी पीने के लिए, अब दे रहे हैं। देखिएगा बाहर से बड़ा झूम जाए इनका, ठीक अब देखा रोक लिए। देखो देखिए 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 बोतल आ गया, पानी पीने के लिए, पानी पीने के लिए दे दिए बोतल, थोड़ा सा बचा हुआ है पी लिए, लीजिए। दातुन उतना अच्छा अच्छा नहीं इसमें है, उतना अच्छा अच्छा दातुन नहीं है, जा गिर गया होटल गया ना, होटल गिर गया। हाँ अच्छा से पकड़ नहीं आता है, एक हाथ में नहीं कैच हुआ, कैच नहीं होगा, वो मोबाइल पकड़े हैं। हाँ एक हाथ में मोबाइल पकड़े हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, उतरते हैं। दातुन इसमें नहीं है, अच्छा अच्छा उतरिए। मस्ती में घूम ही के हो जाएंगे घर से, हो दिल से गुजर हो दिल में। देखिए उतर रहे हैं, आराम से उतरिएगा नहीं तो गिर जाइएगा। उतर गए हैं, हेलो गाइस हम उतर गए, पर मैं चढ़ने में बहुत डर लग रहा था, चढ़ने शुरू बहुत दिन हो गया था चढ़ने चढ़े हुए, चढ़ गए, बहुत डर लग रहा था गिर जाएंगे तो चढ़े ऊपर में। वे अच्छा 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 मौसम, हवा लग रहा था अच्छा एकदम, दतन गए तोड़ने के लिए तो अच्छा अच्छा दतने नहीं है उस दतने नहीं है उसमें तो थोड़े कहें कि आगे चलिए आगे तोड़ेंगे दतन। बहुत अच्छा दिख रहा है, देखिए देखिए पूरा हरियाली।
एकदम दिख रहा है, देखिए आज का मौसम ऐसा, आजकल का मौसम ऐसा रहता है ना कि पूरा हरियाली हरियाली सबसे दिखेगा, बहुत अच्छा लगता है, सुंदर, बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बरसात का मौसम सुंदर है आजकल ये मौसम हमको बहुत, क्योंकि हरियाली हरियाली पूरा अच्छा चारों तरफ दिखेगा, हरियाली ही हरियाली। चलिए और आगे चलते हैं, चलते हैं, देखिए अभी पीढ़ी पर हैं, और देखिए उधर से मौसम अरे क्या कहते हैं, रोशनी लौक रहा है, तो उधर में गजब दिख रहा है, किरण एकदम लौक रहा है, देखिए ये किरण है, देखिए पूरा मौसम क्या मौसम, बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घामा लगा है, मौसम है अच्छा लेकिन घामा लग रहा है, क्या करें, आए थोड़ा यहीं घूरने, मन ही लग रहा था तो सोचे घूर लेते हैं, घरे बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा है, तो इधर में ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर लगा पर ईटा लोड है, भाई लोग लेकर जा रहे हैं कहाँ गिराने के लिए, चालू हो गया गाड़ी चालू हो गया, जाने लगा, जा रहे हैं ईटा लेकर के, चलिए अब पीढ़ी से नीचे उतर रहे हैं, चलते हैं और दिखाते हैं आगे गेट, गेट की तरफ, गेट के तरफ चलते हैं, दिखाते हैं सेंट्रल कॉलेज का मेन गेट दिखाएंगे, चलिए अब उतरते हैं पीढ़ी से नीचे उतरते हैं, अब इधर यहीं से चलिए चलिए ऐसे, देखिए यहाँ पर पोस्टर है, पोस्टर लगा हुआ है, गिरी से देखेंगे सबसे देख रहे हैं ना, पोस्टर लगा है, पोस्टर कपड़े रखे साफ भी फ्रेश भी, और इसे दिया है एक्टिव एक्टिव टू इन वन क्लीन एट फ्रेश, इससे कपड़ा और अच्छा भी दिखेगा, चमकेगा लिखा हुआ है, चलिए आगे तरफ चलते हैं दिखाते हैं, लेकर जा रहे हैं ट्रैक्टर पे ईटा गेहूं गिराने के लिए,
देखिए हाथे के ऊपर, देखिए हाथे के अंदर अमरूद का पेड़ है। अमरूद अमरूद का पेड़ है, अमरूद भी फरा हुआ है। सो गाइस अमरूद से पका हुआ है लेकिन बहुत ऊंचा है, चढ़ने नहीं पाएंगे। क्या करें, देखते हैं है। करते हैं ये बजरंग बली। अब लाइनो हाई देखिए ऊपर चढ़ गए, अमरूद उड़ रहे हैं। कच्चा है, उतना पका हुआ नहीं है, पका हुआ था तो सब तोड़ दिए। ले करो देखिए आ गया, अब खा रहे हैं, पका हुआ है। देखिए इधर में छोटा छोटा है, पका हुआ नहीं है, कच्चा है। पका हुआ सब तोड़ लिए, सेल हो गया सेल। टूटिंग सेलिंग, चलो खेलिंग। चलो अब आगे दिखाते हैं गेट। साइकिल से देख साइकिल आकड़े मजबूरी में आए हैं। दो तीन किलोमीटर दूरी, तीन किलोमीटर है ना, तीन किलोमीटर। चलो उधर से चलते हैं और गेट भी दिखाते हैं। चलो दिल जाए चलिए चलते हैं, गेट दिखाते हैं आगे के तरफ। वो भी दूरी है, थोड़ा दूरी है लेकिन कोई बात नहीं। ढलान है, ढलान है, ढलान ढलान है। देखिए इधर स्कूल है, यही आपकी बीमारी है। इसका मेन गेट है यहाँ पे और इसका मेन गेट है देखिए इधर। डेंटल कॉलेज का मेन गेट दिखाते हैं, इधर देखिए इधर। यही पर डेंटल कॉलेज का मेन गेट है। पानी पी रहे हैं, इसमें का पानी पीते हैं ना। ओह
मेन गेट का देखिए पार्क है अंदर में। और अच्छा देखिए इधर पार्क है अंदर में, बहुत ही अच्छा है। ऊपर में देखिए वहाँ नाम लिखा हुआ है। ऊपर में नाम भी लिखा हुआ है सेवा बाबू विद्यालय का। यही डेंटल कॉलेज का मेन गेट है, यहीं से एंट्री करा करके अंदर जाना पड़ता है। इधर में को क्या चीज पता नहीं, रोड वोड बने हैं। इधर से चलिए अगर आगे जाते हैं। देखिए यहाँ पर बड़ा सा ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर है। अभी तो बन रहा है। वाह क्या चीज बन रहा है मेरे को पता नहीं है। कुछ बन रहा होगा। ये मेन रोड है, उधर में मेन रोड है, उधर में चलिए दिखाते हैं मेन रोड। आप गए रहा है बहुत साइकिल ऊपर से, इसलिए ऊपर से और चला रहे हैं साइकिल। और गर्मी अंदर से और भाप दे रहा है, प्रेशर कहते हैं ना, कुछ भी बनता है तो प्रेशर। कितने प्रेशर आपका शरीर का दीजिएगा तो नहीं तेजी से अंदर से पानी जिसको पसीना कहते हैं निकलेगा। हवा लग रहा है, हवा भी उतनी चल रहा है, लग रहा है कि बारिश आएगा आज। बारिश तो होवे करेगा, बहुत ही गर्म लग रहा है। डेली होता है शाम शाम को। देखिए बादल इसको दिए मेन रोड की तरफ चलते हैं, दिखाते हैं। इधर में दिखा दीजिए, आजकल भी सब बना हुआ है। अच्छा मेन रोड चलते हैं, बहुत मस्त एकदम सुरक्षित, अरे सुरक्षित जगह है। ओ अब पहुंचने वाले हैं मेन रोड की तरफ, मेन रोड पर।
देखिए यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है डेंटल कॉलेज, डेंटल कॉलेज का मोड़ है, मोड़ यहाँ पे डेंटल कॉलेज का मोड़ है, यहाँ पे डेंटल कॉलेज का मोड़ है, यहाँ पे देखिए पोस्टर लगा हुआ है और यहाँ पे मेन रोड है। मेन रोड है, यहाँ पे हमेशा गाड़ी चलते रहता है क्योंकि यहाँ पे मेन रोड है ना, इसलिए मेन रोड है। गढ़वा जिला रेहला, इधर रेहला तरफ जाते हैं, रेहला और अब इधर में रेहला की तरफ जाते हैं और इधर से गढ़वा की तरफ जाते हैं। लग रहा है गाड़ी आ रहा है, गाड़ी धूप लग रहा था, इधर छह में आए हैं, देखिए यहाँ पेड़ है। हाईवे रोड, हाईवे रोड फोर लाइन टू लाइन है, फोर लाइन यहाँ पे हाईवे आ रहा है, टू लाइन रोड है, लेकिन अच्छा है, बीच अच्छा हुआ है, गाड़ी चलता है, बहुत ही अच्छा रोड बना हुआ है। कपार दुख रहा है, कपार दुख रहा है। गाड़ी और अब चलते हैं, thank you।
गाड़ी है, चलाते हैं, चलाएंगे नहीं चलाएंगे हैं जी। चलिए सेठ, चलिए चलिए चलाइए चलाइए चलाइए। लग रहा है हवा, लग रहा है हवा, लग रहा है वो गर्मी किया हुआ। साइकिल चलाने से बहुत ही गर्मी लग रहा है, लगेगा लगेगा क्या, क्योंकि ऊपर से धूप भी है और नीचे से प्रेशर, नीचे से प्रेशर है तो लगे नहीं गाड़ी का गरम। बस देना आ रहा हूँ थोड़ा अंदर से, सांस एकदम स्टेक्स जाता है स्टेक्स। इधर से ना लोक रहा है, उधर से ना नहीं बॉक्सिंग हो रहा है तो क्या होगा, धूप बहुत है जिनकी वजह से अपना मोबाइल ही अपना प्रेशर बढ़ा दिया है, गर्म हो गया है, गर्म हो गया है मोबाइल भी, प्रेशर बढ़ा दिया है, गर्म हो गया है, हीटिंग हो रहा है, हीटिंग वेरी हीट हाथ में, ऊपर से प्रेशर है सर, ओ सॉरी ऊपर से धूप लग रहा है, बहुत लग रहा है। देखिए इधर में हरियाली, घूरते घूरते यहाँ पे आए हैं जहाँ पे ना रहे थे। देखिए यहाँ पे डेली आते हैं घूरने, वहीं पे आते हैं घर में, डेली आते हैं घूरने, घर पे अच्छा नहीं लगता है, हर तरह से अच्छा नहीं लगता है, इधर इसलिए घूमने आ जाते हैं हम। देखिए इधर कह रहे थे, इधर मीठा आइटा बड़ा है, देखिए यहीं पे पासे इसके पासे चल रहे हैं, देखना पड़ेगा किधर है किधर ना, उधर पे है क्या है, देखिए इधर में तालाब है एक, और इधर में एक और छोटा सा तालाब है, देखिए जैसे है घर में है पहुँच गए हैं, इसी में मछली पालते हैं, देखिए यहीं पे है तालाब है, छोटा सा तालाब है, छोटा सा तालाब है, मछली को पालते हैं, मछली पालन दिखाइए, लग रहा है बहुत धूप
को लग रहा है। ओह माय गॉड, हो गया वहाँ पे है। अब पंचायत भवन पहुँचने वाले हैं। ओ पंचायत, हाँ वहाँ देखिए उधर पंचायत भवन, गांव का जो कार्य होता है, गांव का पंचायत भवन है जो भी मतलब कार्य होता है यहीं पे होता है। पंचायत का जो भी कार्य होता है यहीं पे होता है। दिखाते हैं वीडियो से, दिखाते हैं से। उतना नहीं दिखा रहा है, चलिए अब पहुंच गए हैं, पहुंच गए हैं। ओ सेट, पहुंच गए हैं। साइकिल लगा रहे हैं, हम चल रहे हैं, दिखा रहे हैं पंचायत भवन। ओह आलू खा गया, धरो देखिए यही है पंचायत भवन, इसका मेन गेट दिखाते हैं। देखिए यहीं पे है गेट, दुताला है गेट है यहाँ, यहाँ पे दर्शन की झलकिया, किया नहीं झलकिया। यहाँ पे पोस्टर लगा हुआ है, समृद्ध आदिवासी जीवन से आदिवासियों का की आशा हो सकता, झारखंड आदिवासी महोत्सव 23 का 9-10 अगस्त का झंडा फड़ा, झंडा फड़ा फड़ा हो रहा है, गर्मी लग रहा है बहुत, पूरा धिर गया है, गर्मी लग रहा है बहुत, गेट धिर गया है एकदम। दुताला है पंचायत भवन, दुताला है देखिए गर्मी लग रहा है यहाँ से, अच्छा अच्छा दिख रहा है यहाँ से, धूप लग रहा है, धूप बहुत ही धूप लग रहा है, देखिए बहुत ही धूप है। देखिए इधर में धान रोपाया हुआ है, देखिए चलिए आगे चलते हैं। पांच
यहाँ पे तीन मुहान है। पाँच बजने वाला है, फिर काम करके लोग आ रहे हैं। यहाँ पे गांव का मालिक जिसको माना जाता है, जो डीवार बाबा है, यहाँ पे यहाँ पे डिहवार बाबा है, देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए, डिहवार बाबा गांव का मालिक है यही। नानी घर आ गए हैं, नानी घर आ गए ना फोन जैसे सोना से चला गया पूरा भी हुआ। और ऐसे छिट रहा है ओह, जब हंसता हुआ रखी हूँ तो चलिए गाइस अब चलते हैं आ जाए। यहीं आए हैं पंचायत भवन के पास, फाइनली हम लोग घर के आ गए। यहाँ पे जहाँ पे साइकिल था वहाँ पे हमारे बाद चुभने लगा, बंधा माथा दम दर्द करने लगा। यहाँ की वजह से आप लोगों से यही विनती, यही निवेदन है कि इस चैनल पर नए होते हैं इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हम लोगों को सपोर्ट कीजिए पूरा अच्छा एकदम, क्योंकि हम लोग नए नए हैं इस चैनल, नए नए चैनल अगर क्रिएट किए हैं, शुरू किए हैं।
इस चैनल पे आप लोग इस पे लोग अच्छा लगा तो आप लोग सपोर्ट करना ना भूले। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।